आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया नेपा नगर से, जहां नेपा नगर के वार्ड क्रमांक 3 गिट्टी खदान एरिया में एक दिन का नवजात शिशु मिला। नवजात शिशु मिलने से रहवासियों में हड़कंप मच गया है। वार्ड पार्षद शांताराम ठाकरे ने नवजात शिशु को नेपा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां नवजात शिशु का चेकअप कर एनआरसी केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना लगते ही नेपाल नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब यहां से नवजात शिशु को बुरहानपुर जिला चिकित्सालय ले जाया गया। ये हमारे वार्ड में सर एक घोड़े पे मिला है, जिसको कुछ महिलाओं ने देखा और उसकी आवाज रोने की सुन करके उन्होंने हमें सूचना दी। पहले तो उनको ऐसा लगा कि शायद किसी जानवर का है बच्चा, पर जब कोई सुअर उसको लेके भागने लगा तब मालूम पड़ा कि ये मनुष्य का है बच्चा। तो उन्होंने मुझे सूचना दी, उसके तुरंत मैंने फिर पुलिस को सूचना देकर के उसे यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नागझिरी में सीसी रोड भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। सीसी रोड बनवाने के लिए 2017 में 3,62,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जो कि धनालाल हीरा के घर से मोकअप नाना के घर तक बनवाना था। पूरे 5 साल हो गए लेकिन अब तक कहीं भी रोड नहीं बन पाया। ग्रामीणों को हर वर्ष बारिश और गंदगी से परेशान होना पड़ता है, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ नागचुरी का मेन रोड कहीं गांव को जोड़ता और खेतों में जाने के लिए मुख्य मार्ग है, लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद भी आज तक नहीं बन पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव आते हैं तब घर घर वोट मांगने आते हैं, जीतने के बाद मुंह तक नहीं दिखाते। ग्रामीण इस रोड को लेकर जनपद सीईओ कलेक्ट्रेट महोदय को लिखित में आवेदन देने के बावजूद भी यहां पे रोड नहीं बन पाया। सरपंच सचिव और उच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन पर आश्वासन ही ग्रामीणों को मिला जा रहा है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ कई बार न्यूज चैनल के माध्यम से ये समस्या भी अवगत कराएगी, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। सीसी रोड नहीं बनने से गंदगी फैली हुई है। गंदगी फैलने से आसपास के ग्रामीण जन मच्छरों से, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। सेंक्शन भी हुआ था क्या? ये रोड 2017 में सेंक्शन हुआ है, इसका पैसा पूरा निकल चुका है 2017 में। तो इसके बारे में शिकायत की थी क्या? इसके बारे में शिकायत जिला सीओ को की है, कलेक्टर सीओ को, डिप्टी सीओ को, जिसके बाद में जनपद सीओ को की है शिकायत। और इस विषय में सीएम हेल्पलाइन पर 10 शिकायत चल रही, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। गांव में डिप्टी सीओ यहां आके गई मौजूद, डिप्टी सीओ ने आदेश दिया कि 10 दिन में रोड का काम चालू करवाया जाए, तो डिप्टी सीओ का आदेश का कोई पालन नहीं किया जा रहा है यहां पे। भैया जो आवेदन दिया था उसका स्लिप वगैरह है इनकी? सबकी, जिसको आवेदन दिया सबकी रिसीव्ड है हमारे पास। ओके, आपका नाम क्या है? सुभाष पवार। कलेक्ट्रेट और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्र स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर जिले को प्रथम स्थान मिलने, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने पर एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जिला इकाई बुरहानपुर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट प्रवीण सिंह का स्वागत किया गया। उनका स्वागत श्रीफल और पुष्प गुच्छ से किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पाटिल, खेमराज राठौर, नितिन पंडित, रमाकांत मोरे, राजीव खेड़कर और डॉक्टर इमरान कुरैशी समेत कई लोग शामिल रहे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।